क्लास टेंथ, कैसे हैं आप लोग? वेल, ओके। देखिए, केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स में हम लोग आपको रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में आज बताएंगे। एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में आपको बताया था कि कैसे कोई मेटल मोर रिएक्टिव होता है और कोई मेटल लेस रिएक्टिव होता है। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आया होगा। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज थी वो हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको बताई थी क्योंकि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जब हम किसी मेटल को, मोर रिएक्टिव मेटल को ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जहां जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट होता है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ओके, जैसे हम यहां पर देखें Zn प्लस CuSO4, जिंक की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस कॉपर अलग हो जाता है। यहां देखोगे ये जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा। यहां पर मैंने चीज मेंशन की हुई है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट के कलर के ऊपर जनरली कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो आप हमेशा याद रखोगे कि कॉपर सल्फेट का कलर हमेशा ब्लू होता है और जिंक सल्फेट कलरलेस बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन और मैंने ली हुई है कॉपर, क्योंकि यहां पर कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, बट इन दिस रिएक्शन कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम कॉपर की रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर Ag को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर, तो क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ओके, तो दीज आर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, और भी बहुत सारी रिएक्शंस आपकी बुक में दे रखी होंगी तो आपको उनको लर्न कर लेना है, समझ लेना है। ओके, अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, कि मेटल्स जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो जनरली आयोनिक क्लोराइड फॉर्म होता है। ओके, और एक चीज और याद रखेंगे, मोस्टली जो आयोनिक क्लोराइड होती है ये सॉलिड होते हैं। ओके, ये आप याद रखेंगे, आयोनिक क्लोराइड आर जनरली सॉलिड्स। तो जब हम मेटल जैसे सोडियम है, एल्युमिनियम है, जब सोडियम की रिएक्शन जब हमने क्लोरीन के साथ कराई तो क्या बनेगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, जब एल्युमिनियम की रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई तो एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये जनरली आयोनिक क्लोराइड है। ओके, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ओके, जनरली मोस्टली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, तो फिर इनके बीच में रिएक्शन नहीं हो सकती। लेकिन जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां जैसे मैंने एक रिएक्शन दिखाई हुई है कि जब सोडियम के को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, यहां पर जो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड आयन है, एच आयन, नॉट पॉजिटिव आयन। ओके, तो मोस्टली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, बट सम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। ओके, सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में
बात करेंगे कि एक्वारिजिया, हाँ हम यहाँ पर एक बात और बता दें कि इसके बाद हम रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक्वारिजिया, एक्वारिजिया समझ लेते हैं। ओके, एक्चुअली ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हाँ एक्वारिजिया एक ऐसा फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है या मिक्सर है जिसमें वन पार्ट HNO3 कंसंट्रेट, याद रखिएगा कंसंट्रेट HNO3 और थ्री पार्ट इसमें और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मींस वन पार्ट HNO3 कंसंट्रेट होगा और थ्री पार्ट HCl। जब हम मिला देते हैं तो एक मिक्सर तैयार होता है जिसे हम एक्वारिजिया बोलते हैं, और एक्वारिजिया में सारे के सारे मेटल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो व्हाट इज एक्वारिजिया? इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड अ मिक्सर और वन पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 विद थ्री पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू।